यार इसके अंदर है चाउमीन, मंचूरियन, चिली पटेटो और ये आप ये देख सकते हो। Wondering how to make a play all night, looking your way from out of sight, thinking. तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, आई होप सब बढ़िया ही होगा। स्वागत है भाई आपका एक और नए व्लॉग में। और यार जैसा कि आप लोगों को पता है, हम आए हुए हैं आगरा, तो अभी हो चुकी है रात, तो नाइट लाइफ है एक तरीके से आगरा की। एक चटोरी गली करके है, चाट गली। यहाँ पे आप पहले आप देखो कितना रश है यहाँ पे, ये सारी खाने की सामान है यहाँ पे, जितना भी है ना, मतलब खाने के आइटम है यहाँ पे टू जेड। तो हम जो जो खाएंगे वो चेक कराएंगे। अभी फिलहाल हम ले रहे हैं एक चाइनीज प्लेटर, जिसके अंदर आएंगी चीज़ें, अभी देख के हम आपको बताएंगे क्या क्या आ रहा है। तो पहले आप देखो चाइनीज प्लेटर कैसे बन रहा है। चाइनीज प्लेटर ले रहे हैं हम यहाँ से, आप देख सकते हो चाइनीज चाट से। Body was so magnetic. Before I knew it, we talked and I think about you a cocktail. You told me that you've been waiting for somebody like me. तो यार इसके अंदर है चाउमीन, मंचूरियन, चिली पटेटो और ये आप ये देख सकते हो, ये राइस है, ये चाप, नहीं चाप, ये चाप, ये चाप और राइस, मतलब सब कुछ मिक्स है भाई, तरीके से प्लेटर है, सब कुछ मिक्स है। तो खा के देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है, उसके बाद टेस्ट देखने के बाद आपको बताते हैं क्या करने के बाद। भाई हम लोगों ने खाया अभी चाइनीज प्लेटर, भाई कैसा लगा तेरे को टेस्ट? स्वाद बहुत ही अच्छा है, काफी अच्छा, अफोर्डेबल है। 130 में आपको 4-5 आइटम मिल गए, नूडल्स मिल गए, फ्राइड राइस मिल गए, वो सब मैंने बता दिया है, चाहे चिली पटेटो वगैरह थे, काफी अच्छा टेस्ट है इसका। अभी हम कुछ और ट्राई करने वाले हैं, वो आपको दिखाएंगे अभी हम क्या ट्राई करने वाले हैं, बट ये काफी अच्छा था भाई, मजा आ गया इसको खाने के बाद। खाने देते हैं आकाश को, खाने के बाद आपसे बात करते हैं। और अगर कोई भी आगरा आता है भाई तो यहाँ जरूर आओ, सदर बाजार में चटोरी गली करके आई जगह। तो चलो पहले इसको खाने देते हैं, मैंने तो खा लिया, टेस्ट काफी अच्छा था, मेरे को भी काफी अच्छा लगा, और कुछ ट्राई करते हैं। तो यार चाइनीज प्लेटर के बाद अब हम लोग खा रहे हैं आलू टिक्की, और आलू टिक्की खा रहे हैं पंडित जी चाट भंडार से। तो चलो आलू टिक्की बन जाने देते हैं, बनने के बाद हम आपसे बात करते हैं, खाएंगे टेस्ट करके बताएंगे आपको कैसा टेस्ट है इसका। तो खा लेते हैं, भीड़ बहुत ज्यादा है भाई, तो चलो पहले खा के देखते हैं। Took you out and showed you the city. How would you let somebody so pretty? It's what they said to me. Yeah, that's what they said to me. Well, they told me I didn't stand a chance, yeah. Face value had you at a glance, yeah. But nobody ever asked if you could dance, yeah. Well, the only one who did that was somebody like me. When you asked my name, I panicked. So out of my league. And your body was so magnetic. Before I knew it, we talked and I think about you a cocktail. You told me that you've been waiting for somebody, somebody like me. हमारी बन चुकी है ये री टिक्की, और अब चलो खाते हैं, खा के टेस्ट करके बताते हैं। आकाश पहले खा रहा है, मेरा भी तो लेना है। कार्तिक भाई तुमने खाई, कैसी थी टेस्ट? लाजवाब है यार, जो क्रिस्पी आ रहा है ना, क्रिस्पी स्वाद आ रहा है, वो फैंटास्टिक है, मतलब बहुत ही लाजवाब टेस्ट है। बिल्कुल भाई हमारे खा के बताएंगे, बिल्कुल खा के टेस्ट करके बताओ, एक्सपर्ट 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 की राय लेंगे अब हम। बताओ भाई कैसा है टेस्ट? गरम है। चलो ओके, तो चलो यार मैं भी खा लेता हूँ टिक्की, खाने के बाद में आपको मैं भी टेस्ट बताता हूँ कैसा टेस्ट है इसका। बाकी भाई मजा काफी आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि काफी सारी भीड़ है, खाना भी काफी टेस्टी है। तो चलो टिक्की खा के बताता हूँ मैं आपको कि कैसा टेस्ट है इसका। तो यार टिक्की हमने खा लिया, आलू टिक्की बहुत अच्छी थी, और कार्तिक कभी भी खाने में लगा ही पड़ा है, बिल्कुल भाई तेरे को ज्यादा ही पसंद आ गया मुझे लग रहा है, बिल्कुल साफ करने में लगा हूँ, बहुत लाजवाब स्वाद है यार, मैं सोच रहा हूँ। बिल्कुल भाई ने कम खाई है, बिल्कुल भाई को कम पसंद आई है।
भाई टिक्की का टेस्ट मेरे को भी काफी अच्छा लगा। तो अब टिक्की हमने खा ली, अब देखते हैं आगे और क्या आपके लिए जो बेस्ट स्ट्रीट फूड होगा यहाँ का आपको हम वो बताएंगे। तो चलो आगे देखते हैं हम और क्या खाने वाले, हमको भी नहीं पता, जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे देखते जाएंगे क्या क्या खा रहे हैं, क्या क्या हमको खाना है। तो चलो आगे चलते हैं, देखते हैं और बताते हैं हम क्या खाने वाले हैं। तो यार फिलहाल अब ये लोग खा रहे हैं, कार्तिक और आकाश और बिल्कुल खाएंगे गोलगप्पे। मैं तो गोलगप्पे खाऊंगा नहीं क्योंकि मेरा गोलगप्पे खाने का बिल्कुल मन नहीं है यार, ये लोग खाएंगे। तो चलो इनको गोलगप्पे खा दे देते हैं, दिखाते हैं आपको भी गोलगप्पे कैसे हैं, पहले आप देखोगे गोलगप्पे हैं कैसे। Wish you would have left me here. Now I'm just controlled by fear. What's the point in our reflection if you never look in the mirror? Counting the days until you're gone, waiting for us to carry on. Oh, I'm running, what am I running from? Time's going by, but where's the time going? I tried to give you everything, you took it all and took it for granted. If you're still falling out of love, गोलगप्पे का टेस्ट भी काफी अच्छा था, गोलगप्पे इन लोगों ने खाए, मैंने तो खाए नहीं है। तो चलो अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। बाकी गोलगप्पे भी काफी सही था यार, मतलब मजा आ गया देखने के बाद। तो अब देखते हैं अब नेक्स्ट हम क्या खाने वाले हैं, चलो बताते हैं आप। तो यार गोलगप्पे के बाद अब हम खाने आ गए हैं डोसा। यहाँ का डोसा भी काफी, मतलब इस गली में सब कुछ ऐसा है, सब कुछ सबका टेस्ट बहुत अच्छा है, सब कुछ ही अच्छा लग रहा है हमको। तो आकाश बोल रहा है सब एक एक चीज ट्राई करेंगे। तो अब डोसा आ रहा है, हम डोसा खाने वाले हैं और भाई डोसा खाने वाले हैं। चलो डोसा बनने देते हैं, दिखाता हूँ आपको डोसा कैसे बनाते हैं ये लोग, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। तो यार डोसा बन के हो चुका है रेडी और आपको मैं दिखाता हूँ पहले डोसा। ये देखो आप, डोसा आ गया है बिल्कुल हमारा। ये है अपने सांभर, ये चटनी है और ये डोसा है, ये हमारी चटनी है और ये हमारी गोले की चटनी है। गोले की चटनी दिख नहीं रही थी सफेद प्लेट में, तो ये गोले की चटनी है। तो चलो अब खा के टेस्ट करके आपको बताते हैं किसका टेस्ट कैसा है। तो यार डोसा भी हम लोगों ने टेस्ट कर लिया, डोसा भी काफी अच्छा है यहाँ का, काफी अच्छा टेस्ट था डोसे का। मतलब हर चीज अभी तक जितनी भी चीज खाई है ना, कोई भी ऐसी नहीं है कि हम ये बोल देने यार बेकार है। मतलब आगरा में ये तो है स्ट्रीट फूड, आगरा काफी सुना था स्ट्रीट फूड, बट आगरा का स्ट्रीट फूड सच में अच्छा भी है और टेस्टी भी है, काफी फेमस भी है वैसे तो। तो चलो अब हमने खा लिया है अपना डोसा, अब देखते हैं आगे और आकाश भाई क्या लेने वाले हैं। जो आकाश भाई लेंगे वो ही हम खाएंगे, क्योंकि आकाश भाई को खाने पीने की ज्यादा नॉलेज है भाई थोड़ी सी। तो चलो देखते हैं आकाश भाई अब क्या लेते हैं आगे, हम लोग क्या लेने वाले हैं वो आपको दिखाएंगे। फिलहाल तो अभी डोसा खा के मजा आ गया है। डोसा खाने के बाद अब हम लोग खा रहे हैं फालूदा, और फालूदा खा रहे हैं हम यहाँ से शंकर कुल्फी फालूदा हाउस से। और भाई चलो अब देखते हैं अंदर जाके कुल्फी कैसे बनती है, आपको दिखाते हैं कैसे इनका प्रोसेस है कुल्फी बनाने का। तो बनने के बाद में आपसे बात करते हैं, चलो। यार फालूदा बन के हो गया रेडी, और देखो ये रहा हमारा फालूदा, और काफी देखने में तो काफी अच्छा लग रहा है। तो अभी टेस्ट करके बताते हैं आपको कि फालूदा कैसा है, कैसा बना है। तो चलो गाइस टेस्ट करते हैं, उसके बाद में आपसे बात करते हैं। फालूदा सच में काफी अच्छा है, एक नंबर है, बिल्कुल मजा आ गया। फालूदा खाओगे बहुत अच्छा है, मतलब फालूदा भाई दिल खुश हो गया। चलो खा लेता हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट है, मतलब मजा आ गया। आइसक्रीम का जो टेस्ट है बिल्कुल अलग आ रहा है और बहुत अच्छा है। चलो खाने के बाद में आपसे बात करता हूँ, वरना खत्म हो जाएगा ये।
यार सदर बाजार से हम लोग आ गए हैं घर और फूड काफी अच्छा था, मतलब स्ट्रीट फूड आगरा काफी टेस्टी है भाई, मजा आ गया एकदम खाने के बाद में। और यार थकावट आज बहुत हो गई है क्योंकि पूरा दिन आज बाहर, सुबह हम घर से निकले थे 5:30-6 के करीब और अभी रात के 10 बज रहे हैं और भाई अब जाके लेटने को मिला है थोड़ा सा रूम में आने के बाद। अब आज थोड़ा रेस्ट करेंगे और कल देखते हैं, या तो अगर हम आगे गए तो एक और व्लॉग आएगा और अगर घर चले गए तो कोई व्लॉग नहीं आएगा, बाकी वो तो डिपेंड करता है कल की सिचुएशन पे, सुबह कैसी सिचुएशन होती है। बाकी भाई मज़ा आया है यहाँ का, स्ट्रीट फूड काफ़ी अच्छा है, काफ़ी टेस्टी है, हर चीज़ काफ़ी टेस्टी है। तो यार बस बाकी यही है, आप कभी भी आगरा आएँ तो स्ट्रीट फूड यहाँ का खा के जाएँ। सदर बाजार में एक पूरी स्ट्रीट है, फूड स्ट्रीट है पूरी, वहाँ पे आएँ आप, खाना खा के जाएँ, बहुत टेस्टी खाना है। तो चलिए गाइस आज की वीडियो करते हैं यहीं एंड, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में फैला दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अनदर व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।